अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों ये आप महफ़ आज नहीं महफ़ल राजा अबत राजा रिजवान उर्स ने सिलसिले बाबा चमन साई सरकार मणके वाले तुसें लाइव दसने आ पे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो ताकि बाकी दोस्त भी इस महफल में शामिल हो सकन। दोस्तों आज नहीं महफल महफले शेरखानी राजा रिजवान राजा अबत बा मुकाम मन के आला राजा रिजवान राजा अबत महफले शेरखानी बामकाम मनके आला बसिलसिला उर्स मुबारक
फकीराना रंग भी रखसा हमद बीच भी मुरीद असने आस्थाने पर असने सिर्फ इस वास्ते नहीं असने के बावे ने दरबार पर खाली दुआ मंगा ताजरी दे किसा फकीर पर सवाल किता बाबा जी जिंदगी कठिन तो दुश्वार रस्ते ना आया अगर इसकी सौखा सौखे तरीके नाल असा इस सफर पर निकलना चाहवा तो असा की क्या करना चाहिए और बावे फकीर अपने मरीदा की एक गल आ गई असा हमद पढ़ने पे ये भी जहन च रखा हो सरकार हमद पढ़ने पे तो बावे आख्या जरा अलामा साहब का बोल बड़ा खूबसूरत सुनया वे को रोजे रखा है नमाजा पढ़ा है तजत पढ़ा है हज करे राती सारी इबादत करे पर ये अमल ना करे तो कुछ भी नहीं सारा बेकार आकेड़ा कि करो मेहरबानी तुम्हारे जमीन पर खुदा मेहरबान होगा अच्छे गरीबा अगर इंसान लाल उसकी इंसानियत नहीं तो फिर जो कोई मर्जी है करे वो अपनी जाई करना रहे बावे आख्या वो दोस्ता ओ मेरे बिलिया तू ही गल याद रखे हल्के कुदरत को सदा दिलशाद रखे हां खुदा दी मखलूक है कि खुश रखे हां किसे उते कोई ओ जुल्म कमावे आना किसे नाल कोई दुश्मनी पावे आना रिया खातम बल सारी कायनात दा तू
ਲਫ਼ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਐਲੇ ਅਸਲਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਰੱਖਿਆ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤਕੀਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਿਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਐਲੇ ਅਸਲਾਮ ਦੀ ਕਦਰ ਰੱਖਿਆ ਨੌ ਨਹਾਲਾ ਤੈਨੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਪੱਲਾ ਹੱਕ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਛੋੜਿਆ ਨਾ ਝੂਠ ਮੰਗਰ ਫਰੇਬ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ ਨਾ ਉਰੇ ਆਦਲ ਪਲ ਆਲਾ ਦਰਜਾਦ ਦਾ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਈਆਂ ਦੱਸ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾਕਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਹਾਫਜ਼ ਹੋਣੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਐਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਦੇਸ਼ਣ ਕਿਰਤ ਕਰਨੇ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਦੇਸ਼ਣ ਦੁਹਰਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹਾਫਜ਼ਾ ਜ਼ਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸਾਂ ਕੀ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵੋਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਫਜ਼ਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬੇ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕਰਾਉ ਨਾ ਜਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਛੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਦੇ ਵਫਾ ਦਾ ਭਰਮ ਰੱਖਿਆ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖਿਆ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਚਾਰਿਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰ ਸਾਥੀ ਹੋ मतलब फिर मुस्तफाई चाहिए खुदा कुछ की ज्यादा दिता कुछ की घट दिता मैं मुस्तफाई लंगर चाहिए इस वास्ते आवाज दी ਝੂਠ ਮਕਰ ਹੋਏ ਫਰੇ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ ਨਾ ਨਾਲ ਤਬਾ ਹਲੀਮੀ ਕਲਾਮ ਕਰਿਆ ਰੋਸ਼ਨ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਿਆ ਭਰਿਆ ਆਦਲ ਖੁਦਾ ਉਹ ਸਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
अजीज मीरपुर तो आसान शानी और तशरीफ रखने था। मैं मुख्तसरन गल करना चाहता चूंकि दरबार में एतराम की असा सारे मनोजे खातर रखसा तो फकीर ने भी नाल गल छे हमें पढ़ना पे हम दी केड़ी केड़ी ये अजर तू एक टाकरा चलिया असना अपने ही अपने में सारे प्यार करने वाले तो दुश्मन नहीं पहचानी तो रात ही रात वाया तो दिहाड़ी नहीं पहचानना वाया ये अल्लाह ने कलम रखे वे जिंदगी मौत ना फलसफा रखे अपने पैखाने ने तरीकाकार रखे रात दिन ना तनाव रखे सर्दी गर्मी ने अपना मुखालफत रखी हुई हर निजाम इस तरह हक और बातल अपना सिस्टम रखे वा पहचान नहीं खाता तो क्या होया कि मेरे बेली वो हक न साबित सबूत करने ओ बिना खाओ मदीन विच ना आवे नमरूद आग तपाई ना बहु वर्षा तपाई रखी सी छोले अगी ने आसमान पर लगने से इब्राहिम खलीलुल्लाह की आख्या गया तदबीर करो उन आ गया नबी से ना उन आ गया वो जाना वो तकड़ा गया वो जाना दूसरा कम जाना है मैं अपना कम करी जा सा नमरूद अपना कम करी जाए तो फिर जिस अल्लाह छोड़िया ने आ गई उन्हें सटने की कोशिश की थी ने अल्लाह ना फिर हुक्म हो गया माड़ा खलीला इस इतनी ठंडी ना हुई गई कि इसकी सर्दी लगे ठंडी हुई जा पर इतनी ना ठंडी हुआ सर्दी ना इसकी लगा हक नो साबत सबूत करने बिना खो खलील विच नार वेख के इस लड़ी दे मोतियां सुचिया ने खाके करबला नूरी चमकार वेख फिर क्या किया छुरी रख के हल्के पिसरी उत्ते अपने बाप ने खुफिया इसरार वेख फिर क्या होया मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक्या लिखा बड़ा सोहना लिखा उसने मैं थोड़ी जी तफसील ये बयान करना कि रूमी रहमतुल्लाह अलैह उस दौर फिर फतवे जारी करने से जिस दौर फकीर बादशाह की नहीं मनना सा ना सलाम करना सा तो होया क्या उन्हें आख्या जी इन्हें की आखो जुमे ने नमाज सारे पीछे पढ़ने फकीर जड़े चम्मच चम्मच नु किधरे खिताब करता कोल सद के जलवे अनवार वेखे इसा लड़ी के मोतियां सुचिया ने नूरे नूरे करबला नूरी चमकार वेखे तो फिर क्या होया के रूबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने वो फकीर चुकना नहीं सा किसा का अगर भी नहीं चुकना सा उसका क्या चुक सा तो उसकी जात अगर चुक सा लेकिन फकीर बिस्मिल्लाह फकीर नाल बड़े बड़े तनाव हुए आवाज आखिर पर दी थी आवाज कहीं दी थी जनाब सारे मोहतरम राजा आदम साहब राजा अकमल साहब उन्होंने पेश नजर ये सरकार आवाज कर रही है देखो कादर गरीब दिया वह अपना शरीक है जो चाहे कर सके देखो कुदरता किधरे बर्फ पौंदी किधरे गर्म हवा किधरे नैन तारा भी बरसा रे
सुबह शाम कोई दरूद पुचारे कोई रंगोए मोदाम करे मोजा कोई खाक ते बिस्तर लारे कोई मुस्तफा दा खिदमतगार बन के सुबह शाम दरूद पुचारे कोई पीवे शराब करे मस्ती और कोई मंग के रोटियां खा रहे सच पूछो ते दोस्तों की दसा ये इंसान ऐसा बना रहे सच पूछो ते दोस्तों की दसा ये इंसान ऐसा बना रहे कि सरकार फरमाए मसाइयों फिरा दरबार फकीर आया तो फकीर की गल छिन भी आमद भी है तको आमद कैसी है फकीर माई राबे आसम बसरी ना वाक कि सरकार सफर करने पे से एक आख आती आग एक आती पानी चाया सर तो किसी मुरी देर पूछा माई साहब आज ये तुसन कैफियत बदली हुई वजह क्या है आप फरमाने कि अल्लाह ने जन्नत की अग्गी नाल सारसा और अल्लाह ने दोजख की पानी नाल बुझाई सरसा इस वास्ते कि ना कोई जन्नत ने लालच की इबादत करे ना कोई दोजख ने खौफ नाल करे करे तो सिर्फ अल्लाह वास्ते ही करे जैसा अल्लाह वास्ता कर सी तो फिर ना उसकी जन्नत में दोजख ना को खौफ खतरा उसे तफकीर आखना कि अल्लाह कुरान च लिखा है रहा मिसन जन्नत मिलसी जन्नत नहर बगड़िया उस दुद्ध आलियाँ हूँ फकीर क्या आखना मिगी इन्हों सरोकार को फकीर आवाज दी बालका तेरे मालका हुरा जल्दी रख तू कोल अपने सानू तेरे दीदार की लोड़ सजना चौधरी नमान साहब राजा अजीत साहब राजा जंगेर साहब और जनाब राजा आदर साहब राजा कमल साहब राजा नदीम साहब इन्होंने चाह के मुताबक हमद बारी ताला बहान आदर साहब ने नशे जी क्या सरकार फरमाने के ओए असी पुल बैठे रब पुलिया नहीं इंसान बेशुमार खता करना लेकिन असी आरम करना बेशुमार कोई नहीं असी पुल बैठे रब पुलिया नहीं बेहद यो करम कमाई जाना पत्थर बिच भी देख लो न
सरकार फरमाने और बड़ा प्यारा शेर आ। कुछ दिन पहले महीना डेढ़ पहले या मैक्सिमम दो महीने मिनी होए उन्होंने सूर्या तू पर्दा किया बड़ी बेहतरीन करबला लिखी ने अल्लाह करबला ने सदका उन्होंने दर्जात बुलंद कराया। आखिरी टाइम सा तो मैं उन्होंने घर पहुंचा तो उन्होंने चरपाई चाहिए थी तो जरा चरपाई चाहिए बैठी तकिया ले तो उन्हें आख्या जी राजे उन्होंने बड़ा टाइम इन्होंने गुजरिया तो चरपाई रखो तुसा एक गल बही सको। मैं आख्या जी मैं इन्हें नहीं इंतजा इतना पाना चाहना है इन्होंने मैयत उन्होंने मैयत पर मैं इंतजा उन्होंने पढ़ी वो तुसा ने मद्देनजर भी करना है और बड़ी सोहनी इंतजा ही है। आ फरमाए मेरे मालका हे गुनाहगार गुनाहगार है वहां किबरिया मेरे पर साहिल रहमत ले मैं बेबहाना वहां के तेरी साते मुअज्जम ते मान मैनू खताकार मनिया इंतहाना वहां मेरे मालका कुछ भी हां इस बज़्मे कायनात अंदर कलमा गो खत्मुल अंबिया ना ये मंगल वाला नबी दिया दोस्ता दावेदार पंजतन बासफाना ते मजहब हरफिया ते मिलत खली मेरी मना खबर चाहे करबला ना ते शजरा नसब होए पास्ता लगदा फकत इतना चजराए नसब होए पास्ता लगदा फकत इतना ओ नाकस सच गए मौसम वरा ¡Gracias!
नाते सरवरे मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम साढ़े चौधरी जुल्फकार गोभी बाकी भी साढ़े अजीज जड़े यूके होने सरकार की बनने वाले हैं और मासूम और साहबजादे भी नियर साहब मेरे भतीजे और चेयरमैन साहब ने साहबजादे उस्मान क्या नहीं मीरपुर तो मेरे अजीज छगन फैसल और मेरे साथी सारे तुसा मेहमान और बुजुर्ग भी सारे बैठे सारे मुसने सारे जड़े आए सरकार है और पी साहब फरमाने नसीरुद्दीन नसीर अब्दुल्ला लाए कि छिड़ जाए जिस घड़ी साहिबे कौनो मकाम की बात पढ़िए दुरूद छोड़िए सूदो जिया की बात जाते सरवे दो आलम साजा की सेटिंग होनी भी मैं ब्रेक नहीं लाई ना ब्रेक लाना है इंशाल्लाह ये नॉन स्टॉप है ये गड्डी इंशाल्लाह कोशिश करसा जरा भी टाइम आ तुसा नाल बाखूबी मोहब्बत नाल गुजर साट है ओ नबी जिन्ना निखाता जमी और जमा मार से वजूद ही चाहे ओ नबी जिसने बारे चला फरमाया अगर ये मकसूद ना होना कि मैं अपने हबीब की जलवा फरोजी फरमा दुनिया ने कोई चीज पैदा ना करना सा ओ नबी जिने साड़ी खातर गारा में चरोने रब्बे काबा फरमाया ऐ हबीब मंग जो कुछ तू मंगना चाहना है साढ़े कमरी वाले मंगया क्या रब्बे काबा मेरे हाथ दुआ नहीं खातर है लब सदा नहीं खातर है मेरी दुआ है या कि मेरी गुनागार उम्र बख्शी जा रहा है जो कुछ मंगया नहीं सारे वास्ते मंगया ले इतना तक कि उस कौम ने सरकार को पत्थर इतने मारे कि सरकार ने जिसमें अतर लहूल वाल हो गया नालैन मुबारक तक सारे सरकार ना खून पहुंचा बेटी फातिमा लिपट के रोई अब्बा हजूर तुसी बदवा फरमाओ उस कौम की खातर कौम वास्ते आपने फरमाया बेटी नवी वो आप नहीं जिस आखी नाल बिकी तक बाकी नबियां जमाए जे फरका मैं आलमीन वास्ते रहमत बन के आया हां वो वक्त ने नबी से एक वक्त इस कई नबी से इस इलाके ना होर नबी उस इलाके ना होर नबी पूजा नबी आया अगला दिन मंसूख हो गया लेकिन मैं आलमीन वास्ते रहमत बन के आया मैं दुआ कर सा अल्लाह ने हिदायत नसीब कर बाबा बेजा से जमा सा फरमाने पे अरे मेरे बेरियो ओए जदू कुछ नहीं सी और तू रब है सी क्या होया ए जदू ओ कुछ नहीं सी और तू रब है सी बाद रब एक नबी दी जात आई ओए सब नबी दी खातर खुदाई Oh,
27 सा रोला 1,24,000 को मैं बेशबिया में नाना ईसा रूला तो साढ़े पांच तकरीबन 2600 साल बाद सरकार की जहूर पजीर आई हुई जहूर पजीर आई हुई वरना आसाबे रसूल पूछने यार रसूल अल्लाह तुसी नबी कदू ले हो आपने फरमाया जिसल आदम नी मट्टी पानी इसी में हो तुना नबी है क्या होया लिखे आने लिखे मेरे बेली हो आदम नू ते शीश अदरीस मूसा आदम नू ते शीश अदरीस मूसा Bye.
सारे मास्टर फयाज साहब और उन्होंने अजीज हाजी नवाज सदर साहब भी हमारा ख्याल आया उसको नाल इकट्ठे हो सो जी जी हाजी नवाज सदर साहब जेडे साढ़े सबका जनरल कौंसल हो रहे यूसी चौहान खासा टकाल ने तो जे कद फर्शे मुहम्मदी कबूल कर रहे हो तो अगर बैठे बैठे आ रहे हो मास्टर जी इतना अगर आ रहे हो हाजी और भी आप आ रहे हो बड़े दूर मेहमान आए बिस्मिल्लाह वेलकम वेलकम जी हाजी साहब एडवोकेट सारे पत्रिये पनेर शाह संगलाल और अजीज सारे आए हाँ जी आओ आगे आ रहे अजीज जी आगे आ रहे वेलकम तशरीफ रखो मास्टर जी तशरीफ रखो मैं अर्ज कर रहा हूँ ये फकीर की महफल है जी माशाल्लाह रूह डारिया मारी तस्लियां भैया ये अजीज माने चौधरी मसूद अहमद कोठी यूके भाई ये साढ़े नाल ही जिक्र करना है तारक मनकराइया कबड्डर नामी कोई सारा अजीजा छोटा भाइया यूके चौधरी रोहेल अहमद यूके चौधरी फैसल मीरपुर चौधरी शाहिद के चौधरी असलात आती और राजा जमील चौधरी अदील साहब इन अजीजा ने फरमाइश और बड़ी सोहनी फरमाइश है ये जी फरमाइश है दिल बाग बाग हो जा सरकार बैठे तशरीफ आवर या साबी रसूल नाल बैठे एक माई आई जिसने चिटे वाल से सरकार उठे दो कदम अगे अपनी कमली अपनी चादर ढाई के थल्ले तो माई की बालिया ने असा भी बड़े परेशान हो गए सरकार मैं भी गुफ्तगू रहे तो माई ने चेहरे की भी तकड़े रहे कदा कदा अथरू भी सरकार नहीं आवा गया कदा तारीख की गल भी आखनी तो जिस माई अलविदा कोई की ने आप उठे कुछ कदम नाल गए तो अलविदा करी तो मोड़े असाबे रसूल पूछ रहे यार सुन ला केड़ी भक्ता नहीं माई है जिस तरह इतना इस्तकबाल होया और सरकार अपनी चादर मजमली थले डाई तो माई उठा तो जी बराबर हो आपने अखा अश्कबार होने असाबियो ये तुसा की नहीं पता है मेरी ओ मां या जिसकी दाई आली मां आपने जिस मेरी बचपन परवरिश की थी ये दाई आली मां है उस दाई ले मैं आली मां का जिक्र आमदे रसूल तो बाद मक्के वाल औरतें गईया तेज रो उठ गया सिया सारे को और कमजोर नाका जिसकी कमजोर उठ रही आने दाई आली मां कौन सी सारिया टूरिया जिसल पुछ गया अपने 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 अपन जगह पर रईसा ने अमीर ने वजीर ने तो मशीर ने पुत्र चाहे ने लेकिन मिर्जा शेजमान साहब फरमाने पे केड़ी गल फरमाने आने Thank you.
एक्सीडेंट होया तो बड़े औखे खर्चे गए इन्होंने मुहब्बत है जेडे इतार है। मैं सिर्फ एक अगला दो शेर पढ़ी ना इसे नाथ चुमदी ने पात्र जिक्र शेर सा अजीजा मीरपुर तो भी फरमायश की भी ताई लीमा ने जिक्र आ चुके वो गैया लैन तो जिसलै गोद च लिया ने जिक्र क्या होया ये बस थोड़ा जहा मंजर पेशी कर सकता बस ख्या साहब है हाजी नवाज साहब है सारे एडवोकेट सगराज शायद और बाकी दिगर अहबाब भी तशरीफ आवर है जुफकार भाई है साढ़े रफात शरीफ तो तशरीफ आवर है वसीम साढ़े शागिर्द कोठे तो माशाला जिसलै बीबी आमना अपने ओ फरजंद जमील जरा वासे कायनात इमाम अल-अंबिया है आम बच्चा कदा कुंबाई जाए तो सकी उस वक्त चले जाओ आंसू बगड़िया होनी लेकिन इमाम अल-अंबिया जिस हवाला किया ना ताई हलीमा ने आ फरमाए हलीमा बच्चा संभाल रखे ये बड़े गौर संगरी बचाई सदा जो ए हबीबे मतलूबे खुदा भी तालबा तू कबल खुदा इसदा हाँ बचा ले अलीमा इस दे कोलो अफार जरीन तके मूसा कूर पर होया शदा इसदा अपनी गोदी सरकार की चुकड़ी पी चुकिया ताई अलीमा जद गोद विच सी फिर क्या क्या वो चुकिया ताई अलीमा जद गोद विच सी साड़ी महफिल तशरीफ फरमा रहे जनाब मास्टर फयाज साहब और जनाब साड़ी काबिल इकराम आजी नवाज सदर नवाज साहब वेलकम खुश आमदीद और जनाब शेख एडवोकेट साहब वेलकम जी एन ओ इन्होंने जाप मुताबक शेर खावर साहब ने लिखा साड़ी क्या जरूरत है उस्ताद मोहतरम एक दिन का पटवार है मैंने इन्हें खवाया अल्लाह पाक इन्होंने उम्र दराज कर और इन्होंने साया आसान ने सरा पर हमेशा हस्ते कर अपना पटवार वेब टीवी अपना पटवार वेब टीवी अपना पटवार वेब टीवी इन्हें लिखा अपना पटवार वेब टीवी इन्हें लिखा राजा शहर साहब चाव नंदन खावर साहब ना शेर लिखा आजी साहब ने चाव नंदन बोल वो तो महफल में होके मौजूद लेकर वो तो महफल में होके मौजूद लेकर जिनकी महफल सजाने का वक्त है ये अर्शे आजम पे पड़ता उस पाक कराने का वक्त है सिर अदा चुका तो ऐ दरबार
करो मैं फर मुअत्तर कसूरियों से उनके महफिल में आने का वक्त है चूंकि ये सरकार नहीं करवा असा तुसा इस दुनिया ते फिरने पे गुनागार गियां बदकार गियां सयाकार गियां अगलिया कौम जर है कि कोई गुनाह कर गए उस मुताबिक उन्हें सजा मिलती सी कद शक्ल तब्दील कद कह ये सरकार ने करवा कि असा तुसा ने भरम टिके भी सरकार नहीं सदका गद्दी नशीन साढ़े मास्टर सिंह साहब चौधरी जुल्फकार यूके और गोभी गुलजार महमूद गुलफराज महमूद फ्रांस को जनाब के अली उस्मान साहब चेयरमैन महमूद साहब ने साहबजादे भी अलहाज चेयरमैन महमूद साहब ने साहबजादे नौदरतों राजा आदल ढोक मैरा राजा शाकर सलीम राजा राशिद और मोहम्मद मनीर साहब ढोक मैरा और राजा नगर जमाल जे मास्टर साहब ने साहबजादे भी चूंकि मैं इस तकरीबन हर बजम इस वास्ते पढ़ना आया मैं अगर जकीती कि इस शेर में सरकार ने भी की सादत मिली कि सरकार ने रोजे पर भी मैं पढ़िया सुभान अल्लाह हाजी साहब माड़े नाल है माड़े शागिर्द भी छोटे भरा भी हाजी नवाज साहब असा हाजे अकबर की सादत कठे नसीब की थी नसीब हुई अल्लाह की तरफ तो सरकार ने हजूर ये शेर में पेश किया वा जिसल में पढ़ाया तो मिगी वो सारा मंजर सामने आ जाना कि मैं सरकार ने रोजे पर खलील पढ़ना पिया तो जिस शायर ने क्या सी उसने ये इल्तमास सी कि ये शेर ले जाओ उस अलग की जबानी याद नहीं सा ये पढ़िया वे के चीता थे फिर मैं उठा तक की तो पढ़िया तो एक साल छोड़ी दूए साल और शायर भी मैं नाल करते से सरकार ने रोजे पर क्योंकि उठा कोई अर्जी रद्द नहीं हो अर्जी कोई रद्द नहीं होनी वेटिंग लिस्ट भी चौड़ी कोई छह महीने साल लेट हो जाना पता लेकिन रद्द कोई नहीं होनी ओए अर्जी के या हजूर कबूल फरियाद करे आए इसने पीछे एक बुजुर्ग बैठे हुए बड़ा सोना एक वाक्य आया आशकान रसूल ने सारे ने वाक्य सुने ने बिलाल जैसी हस्तियां अवैस जैसी हस्तियां लेकिन एक आज के रसूल से जिन्होंने ना साहब मौलाना अब्दुल रहमान जाकी रहमतुल्लाह अलैह ईरान में रहने लगे से उन्हें सफर शुरू किया जिसल उन्हें सुनया कि नबी फरमाने जिस मेरे रोजे पर हाजिरी दी जहन्नम नहीं आग उसको आराम है और जिस मोहब्बत नाल मेरे रोजे की तकिया क्या मत आले दिन मेरी शफात उस तक लाजम है तो सरकार तुरे तो इस उस वक्त में जहाँ बादशाह से ख्वाब इच नबी पाक करे कि जामी आ रहे उसकी रोक ले हुई सौदिया नहीं सा जमीन ते ना होन दे एक बारी दुई बारी त्री बारी ना आख्या जामी रहमतुल्लाह लाओ मदीने ने काफले आ लियो मिकी सामान इच पैक करके ले जाओ मैं सरकार ने रोजे की ज्यारत करनी त्री बारी नबी पाक ख्वाब इच उसकी आखड़े बादशाह की मेरा बहुत बड़ा आशिक है गुस्ताखी ना करे तो इसकी वापस करी सकिया उस अला उस बादशाह क्या या रसूलुल्लाह जिस आशिक की वजह तू मिकी थी सरकार नो दीदार नसीब होना पिया आखिर वजह कही है कि ना आन देने नी आपने फरमाया उसी की रात लिखी हुई मेरे रोजे ते आप क्या पढ़ नहीं जिस तरह जवाब लिखी रोजे में हाथ कटी क्या देना पड़ा शराब की इजाजत नहीं देनी अर्ज हुई कि या हजूर कबूल फरियाद कर आए मेरा रोजे जिते जनाब तशरीफ रखी उठे बलिया चावल दिल कर ला कमी वालिया जागी रोला रसूल दी चुमके ते मुड़ मुड़ अखा ना लावण दिल कर ला ओके तो जानू पैके विच कदमा दीदी दुखड़े I'm on the
आप जिस उमरे हज पर गए ना तो वापस आए एयरपोर्ट पर असल तुसा जहां बंदा कदा गच्छा तो 50-100 बंदे कट्ठे हो जाने वेलकम करने वास्ते जसारत की पीर को रोने की आयो चौधरी सलीम साहब जेडे राजधानी ना तलक रखने जी और जुके होने और चौधरी सगीर साहब राजधानी का तलक है यूके राजा इशफाक बंगल साहब मंगला राजगान ये भी यूके होने सारी बजा में आए हुए वेलकम थी। मैं अर्ज कर रहा हूँ पीर साहब को मरीदा पूछा सरकार तुसा जहाँ घर भी नहीं पहुंचे एयरपोर्ट तो बाहर निकले तो रोने रोने हो तो रोने की कोई वजह आप सैयदजादे भी सन आलम भी पाए न सन शहर भी बड़े पाए न सन मरीदा तो पूछी बैठा है और जवाब देना माड़ा फर्ज आ आपने फिर बदी शेर आख्या मरीदा की और शेरा विच उसकी दस्या कि मैं रोना किया है बोल क्या सी बिस्मिल्लाह अरे पूछो ना पूछो ना कैसी रहमत का खजीना छोड़ा तसीला छोड़ आया हो मुबारक दे रहे हो तुम मुझे हजो ज़ियारत की अरे तेरे रब्बी को देखो मैं मदीना छोड़ आया हो निकला लड़का सारे अजीज जकीर बैठे रहे इन्हें मुँह पर दाढ़ी मिश को नहीं सी किसी तो मैं उन्हें क्यों सा लाइफ तक क्या साथ हूँ माशाल्लाह सुनते रसूल अल्लाह की मुबारक है तो बोले आ किस तरह बिस्मिल्लाह मदीना इस वास्ते छोड़िया मदीना छोड़ने ना जब दिल नहीं करना सा लेकर कुदरत ने एक कानून ने जिथे जिथे लिखी हुई जिथे कदम देने पे उठे देने वरना मदीना छोड़ने की उसकी दिल करना जड़े तो सरकार मेरा गम भी तो देखो मैं मदीना छोड़ आया हूं मैं कुर्बान मदीने
साढ़े मेहमान है राजधानी तू चौधरी सगीर साहब यूके होने और बिस्मिल्लाह वेलकम वेलकम अगर जितना भी फर्शे मुहम्मदी भी जगह मिली बिस्मिल्लाह के फकीर में डेरा है राजा इशफाक साहब राजा इशफाक पंगी साहब ये भी यूके होने राजा इशफाक साहब बिस्मिल्लाह सलाम बाबा जी बेकरी माशाल्लाह वेलकम जी ए मेहमान त अल्लाह ने रहमत होनी है तो मेहमान सारे अस तुस बावे नहीं है सारे है जी कोल कुसा पर कुसा नवी साहब एहसान नहीं अजीज जिगर ग्रुप तो जी अनु सोटे तो आजाद कश्मीर एहसन शाही राजा और वफार राजा और आतफ राजा जी इन्होंने फरमाइश मैं और पीर साहब ने एक नातिया बोल दो चार पढ़ना है पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह उस बाद असा चैनल तब्दील कर सक अगर कोई फरमाइश नातिया हुई तो फिर फरसा नहीं तय असा फिर अला इन्ना औलिया ला इला खौफ अलैह वला हुम यहज़नून शाने औलिया फिर जा सकते पीर साहब ने बोले दिल में किसी को पठाया न जाएगा जिक्र रसूल दिल से भुलाया न जाएगा अरे एक अजीज शागिर्द मेरे जोर रब वो भी आए हुण मिले मिकी उन्हां नाल जिहड़े साथी असां वेलकम आ रहे हां ते साढ़े पंजाब के जो हॉस्पिटल है कठिया शरीफ ना जरा हॉस्पिटल है उसने साढ़े अजीज जुल्फकार साहब होने माशाल्लाह बाजाबता तो उन्हें इस तरह नहीं लेकिन बाद दफा गैबी मुर्शद कुछ अगर मिलने होने ना वो गैबी शागिर्द माड़े उस तरह कि हर शेर कापी करी तो माड़ेदार कदा कदा भेजने होने बिस्मिल्लाह इतने जौक आले बंदे दिल में किसी को अल्लाह
Thank you.
तारक साहब वेलकम जसवाले दूध साढ़े भाई मेरे उस्ताद भाई जनाब चौधरी जोर राम साहब शहर संग्रहालय साहब इन्होंने जाप और जनाब पठवान टीवी राजा शहर साहब तमूर साहब राजा कदूस शाह और राजा अकार साहब चाहल इन सारे ने चाप लगता हो सूरत थी दे जद जग बिच हो तस्वीर कोई नहीं तबाहिया से जा सके सारे जग बिच मदनी ये पीर वर्गा सोना पीर कोई नहीं तस्वीर कोई नहीं बेमिसल ने नाजर हजूर मेरे जिन्हें थे मसाल मन की खुशियां जश्न मिलाद We'll be right back.
बाबा बिकरी मशहूर है और जनाब चौधरी शीर साहब राजधानी ना तलक यूके राजा शवाब भंगेश यूके इन्ना अजीजा ने फरमायश खसूसी फरमायश और जिक्र ग्रुप इन्होंने फरमायश जुल्फकार चौधरी जुल्फकार और बोबी यूके जी निके जिक्र मिलाद ना छेड़िया निकी गल याद आ कि हूँ सैफ ग्रुप ने दो चार पे गोल पढ़ने से लेकिन जिस तरह कोई जहन गाना चाहे तो वो बढ़नी चाहिए। मिलाद जरूरी नहीं कि रबी अलवल ही मिलाद मनाए जाए। आशिक फकीर लोग आ रहे कोई ऐसा जी दुनियादार सालों साल मिलाद मना रहे कोई ऐसे दीवाने में जड़े महीने ने महीने मिलाद मना रहे कोई ऐसी आशिक है जिन्हें रोज मिलाद मनाने मिलाद मनाने मनाने ही बड़ा फर्क है। चूंकि मिलाद रे वाले ना गल हुई असा खुशबुआ देने असा तंजो बजा या तनकीद कुसा पर ना करने असा अपना मौका पेश करने ऐसा अकीदा क्या तारक साहब बिस्मिल्लाह करा कुसा ने कर असा तुसा सारे हाँ वो बच्चा पैदा वह लाता है ढोल टमके बजने मिठाइया तकसीम होनिया रोटियां पकड़ियां और अजक मरचोले भी लगने सौनी सिस्टम लगने शेर कुआलियां भी हो गई कदा कुछ तकलीफ वारा नहीं की गौली और कोई पूछा वाला एक जरा करने ठीक है शराज या नहीं ठीक जो ही मिलाद कोई मनाने प्रोग्राम बनाना अरे यार मौलवियों को पूछा मिलाद मनाई जानी या नहीं मनाई जानी पुत्र तो आया तो तू कुछ को नहीं पूछा
मिलाद तो भी मनाने नहीं मौलवी होरों कोल फतवा घंटे वास्ते टुरी पे अजी फलसवाया आए जड़े मास्टर जी के बच्चा तेरे कार होया खुशियां मनाना है नबी दे मिलाद बारे तू पुछड़ो पुछड़ो है बच्चा तेरे कार इस पेट विच कल मेरा मिल गया गाना उस आया है।